हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए जी, आर संतोष के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि जानते हैं आप लोग, जी आर संतोष एक नवतांत्रिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 1929 ईस्वी में श्रीनगर कश्मीर में हुआ था और शिक्षा, कला शिक्षा इनकी बड़ौदा कला विद्यालय से हुई थी, इनिस बिंद्रे के सानिध्य में। आइए देख लेते हैं जी आर संतोष के बारे में। जी आर संतोष जन्म की बात करें तो जन्म इनका 1929 ईस्वी में हुआ था। 1929 ईस्वी में इनका जन्म श्रीनगर कश्मीर में हुआ था। श्रीनगर कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। और वहीं शिक्षा की बात करें, कला शिक्षा इनकी एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में हुई थी। बड़ौदा कला विद्यालय से जो है इनकी शिक्षा हुई थी। बड़ौदा कला विद्यालय से इनकी शिक्षा होती है इनेस बिंद्रे के सानिध्य में। कला गुरु की बात करें, तो इनके कला गुरु जो है इनेस बिंद्रे थे। इनेस बिंद्रे के सानिध्य में इन्होंने जो है बड़ौदा कला विद्यालय से कला शिक्षा भाग लिए थे। और माध्यम की बात करें, प्रमुखता की बात करें तो ये प्रमुख रूप से नवतांत्रिक कलाकार के रूप में जो है जाने जाते हैं। नवतांत्रिक कलाकार के रूप में ये जाने जाते हैं। और वही इनका माध्यम देखें तो माध्यम की बात करें तो माध्यम इनका जल रंग और तैल रंग था। जल रंग व तैल रंग में जो है कार्य करते थे। और ये जो है रंगों में मधुमक्खी के छत्ते से निकला हुआ मोम जो है पिघलाकर इसमें लगाते थे, अपने रंगों में जो है प्रयोग करते थे, जिससे एक विशेष प्रकार की चमक जो है दिखाई देती थी। तो इन्होंने अपने रंगों में जो है मोम का भी प्रयोग किया है। तो माध्यम इनका जल रंग और तैल रंग हो गया। प्रमुखता देखा जाए तो नवतांत्रिक कलाकार के रूप में ये जाने जाते हैं। और इन्हें पुरस्कार की बात करें, पुरस्कार 1975 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। 1975 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान मिला था। और ललित कला अकादमी द्वारा, इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। ललित कला अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें जो है ललित कला अकादमी द्वारा मिला था। और इसके बाद जो है इनकी प्रदर्शनी की बात करते हैं, प्रभाव देख लेते हैं। प्रभाव की बात करें तो एसएच रजा का प्रभाव, एसएच रजा की कला का प्रभाव था इन पर। एसएच रजा, इनका पूरा नाम था सैयद हैदर रजा। एसएच रजा की कला का प्रभाव था इनके कला पर। और इन्होंने लगभग 30 एकल प्रदर्शनियां की थी। और इनकी
प्रथम एकर प्रदर्शनी 1953 ईस्वी में श्रीनगर में हुई थी। प्रथम एकर प्रदर्शनी श्रीनगर में प्रथम एकल प्रदर्शनी हुई थी। और उसके बाद इन्होंने लगभग 30 एकल प्रदर्शनियां अपने जीवन काल में किए थे जो है। और उपन्यास ये जो है चित्रकार के साथ साथ लेखक और उपन्यास के रूप में भी ये जो है जाने जाते हैं। ये कश्मीरी भाषा और में जो है कश्मीरी और उर्दू भाषा में जो है लेखक व कवि के रूप में भी प्रसिद्ध थे। और इनके द्वारा एक उपन्यासकार है समुंदर प्यासा है। समुंदर प्यासा है इनका एक उपन्यास है जो काफी चर्चित हुआ था। और सुख रूह कविता संग्रह भी इन्होंने किया था। मृत्यु की बात करें मृत्यु तो मृत्यु इनकी 1997 ईस्वी में हुई थी। 1997 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। आइए देख लेते हैं जी आर संतोष। जी आर संतोष का पूरा नाम गुलाम रसूल संतोष था और 1929 ईस्वी में श्रीनगर कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। कला शिक्षा बड़ौदा कला विद्यालय से लिए थे। वहीं कला गुरु की बात करें तो एनएस बेंद्रे इनके कला गुरु थे। प्रमुखता की बात करें तो ये नवतांत्रिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। जल रंग तैर रंग माध्यम में इन्होंने चित्रण किया है। अपने रंग में ये जो है मोम मिश्रित करके जो है रंग लगाते थे। अपने जो है रंगों में मोम का प्रयोग ये करते थे जिससे विशेष प्रकार की चमक जो है दिखाई देती थी। और चमक रंगों में चमक लाने के लिए जो है मोम का प्रयोग करते थे। मोम जो है मिलाते थे रंगों में। और पुरस्कार की बात करें तो 1975 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था और ललित कला अकादमी द्वारा जो है इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। सैयद हैदर रजा की कला का प्रभाव है इनके कला इनके चित्रों पर जो है। और इनकी प्रथम एकल प्रदर्शनी 1953 ईस्वी में हुई थी श्रीनगर में। और इसके बाद इन्होंने लगभग 30 एकल प्रदर्शनियां की थी अपने जीवन काल में। मृत्यु 1997 ईस्वी में हो गई थी। और ये प्रमुख रूप से नवतांत्रिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। और इनके चित्रों पर घनवादी व अभिव्यंजनावादी प्रभाव दिखाई देता है। और इनके चित्रों में इनके जन्म स्थान कश्मीर का प्रभाव दिखाई देता है। इनके चित्रों पर जो है इनके जन्म स्थान कश्मीर का प्रभाव जो है दिखाई देता है। और ये अपने चित्रों में मधुमक्खी के छत्ते से निकले हुए मोम का प्रयोग करते थे रंग में मिलाकर जिससे विशेष प्रकार की चमक दिखाई देती थी। एक इनकी नई विधा थी। और इन्होंने अपने चित्रों में ये हाशिए का प्रयोग करते थे चित्रों में हाशिए बनाते थे और धरातल इनका जो है सपाट होता था और सपाट धरातल पर ये कार्य करते थे। कश्मीरी भाषा के कवि व उपन्यासकार थे जो है। इनके द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है समुंदर प्यासा है। और इन्होंने सुख रूह कविता संग्रह जो है किया था। सुख रूह कविता संग्रह और समुंदर प्यासा है उपन्यासकार इनका था जो काफी जो है चर्चित हुआ। और ये जो है इन्होंने अपने चित्रों में हमेशा स्त्री पुरुष के से यौन समागम जो है भेदभाव को जो है चित्रित किया है। भेदभाव को दिखाते हुए जो है इन्होंने चित्रित किया है। और इनके पिता पुलिसकर्मी थे। पुलिस विभाग में जो है कार्यरत थे। और
आइए चित्र के बारे में देख लेते हैं। चित्र के बारे में देख लेते हैं। आइए इनके चित्र के बारे में देख लेते हैं। चित्र इनका, मैं संतोष हूं आपको क्या दिखता हूं। अगला चित्र है रूप अग्नि इन्होंने बनाया है, लेटी हुई अनावृत्ता इनका चित्र है। इंदिरा गांधी की सवि इन्होंने बनाया है, इंदिरा गांधी की सवि इनका चित्र है। अनटाइटल इन्होंने बनाया है। काली स्पर्श इनका चित्र है। वन विंटर इनका चित्र है। कैलीग्राफी सीरीज इन्होंने बनाया है। देखिए जी आर संतोष जो है हाई स्कूल तक पढ़े थे, हाई स्कूल पढ़ाई करने के बाद जो इन्होंने छोड़ दिया था, और उसके बाद ये जो है साइन बोर्ड चित्रित करते थे और चित्रकला में इनकी बचपन से रुचि थी जो है। उसके बाद इन्होंने बड़ौदा कला विद्यालय से शिक्षा लिए थे। और देखिए जी आर संतोष के बारे में इतना ही रहेगा सब कुछ जो है, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।